हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन है प्रूव दैट द लीस्ट पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच अ सर्कल ऑफ रेडियस आर कैन बी इंस्क्राइब्ड इज 6√3r। अब हम इस प्रॉब्लम के लिए एक डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी हमें गिवन है जो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसमें हमने एज्यूम किया है कि लेंथ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ए सी। ओके, अब हमें इस ट्रायंगल में एक सर्कल इंस्क्राइब करना है इस तरह से, और इस सर्कल का रेडियस हम मानेंगे स्मॉल आर। अब हम मानेंगे कि हमारी जो ए बी लेंथ है वो एक्स और वाई से बनी हुई है, दैट इज ए ई की सेगमेंट को हम बोलेंगे एक्स और बी ई लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी वाई। अब डायग्राम से हम देख सकते हैं कि एक पॉइंट ए से हमें दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हुई हैं जो है AE और AF। अब ज्योमेट्री का एक थ्योरम है कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ सेम होगी। इसीलिए अगर AE की लेंथ X हमने मानी है तो AF की लेंथ भी X हो जाएगी। सिमिलरली पॉइंट B से अगर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें BE और BD, तो उन दोनों की लेंथ भी सेम हो जाएगी जो यहां पर Y है। इसीलिए लेंथ ऑफ AB होगा X प्लस Y, लेंथ ऑफ AC होगा X प्लस Y और लेंथ ऑफ BC होगा 2Y। तो अब हम देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम में X और Y आपस में कैसे रिलेटेड हैं। तो हम एक ट्रायंगल अज्यूम करेंगे, ट्रायंगल AOB। इस ट्रायंगल में हम देख सकते हैं कि पॉइंट E एक ऐसा पॉइंट है जो टेंजेंट और सर्कल का कॉन्टेक्ट पॉइंट है। हमारी ज्योमेट्री में एक और थ्योरम है कि अगर आप सर्कल और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से सर्कल के सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो जाती है। तो अब हम ट्रायंगल AOB का एरिया कैलकुलेट करेंगे और वो है हाफ AB इंटू OE। इसमें हमारा AB जो है ट्रायंगल का बेस है और OE जो है वो ट्रायंगल की हाइट है। अब AB की वैल्यू हमें क्लियरली पता चल रही है, वो है X प्लस Y और OE की वैल्यू है R। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा हुआ हाफ R टाइम्स X प्लस Y। सिमिलरली हम ट्रायंगल AOC का एरिया कैलकुलेट करेंगे, वो होगा हाफ टाइम्स AC टाइम्स OF और AC की वैल्यू है X प्लस Y एंड OF की वैल्यू है R। तो एरिया हुआ हाफ टाइम्स R इंटू X प्लस Y। और फाइनली हम ट्रायंगल BOC का एरिया भी इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, जो होगा हाफ टाइम्स BC इंटू OD और उसकी वैल्यू होगी हाफ टाइम्स R टाइम्स 2Y। अब हम कैलकुलेट करेंगे इस पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया और उसके लिए हमें चाहिए हाइट AD। तो AD को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, AO एंड OD, जिसमें AO की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ X स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्योंकि ट्रायंगल AEO एक राइट एंगल ट्रायंगल है और AE की लेंथ हमने X मानी थी, OE की वैल्यू रेडियस R है, तो पाइथागोरस थ्योरम से AO की लेंथ आ गई स्क्वायर रूट ऑफ X स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो अब हम इस पूरे ट्रायंगल का एरिया लिख सकते हैं हाफ टाइम्स BC टाइम्स AD। इसमें BC की वैल्यू है 2Y और AD की वैल्यू होगी AO प्लस OD, जिसको हम लिखेंगे हाफ टाइम्स 2Y टाइम्स R प्लस स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे कि इस कंप्लीट ट्रायंगल ABC का एरिया जो होगा वो बाकी पार्ट के टर्म्स में इस तरह से लिखा जा सकता है। ऑलराइट, तो अगर हम देखें तो लेफ्ट मोस्ट साइड का जो एरिया है वो होगा 2y टाइम्स r प्लस स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और राइट साइड में तीनों ट्रायंगल के एरियाज को अगर हम ऐड करें तो वो होगा 2y r प्लस r टाइम्स x प्लस y प्लस r टाइम्स x प्लस y। अब राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ r x प्लस y। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल के एरियाज सेम हैं। ऑलराइट, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा y टाइम्स r प्लस रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू y r प्लस r टाइम्स x प्लस y। अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें तो हमें मिल जाएगा y r प्लस y टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू y r प्लस x r प्लस y r। अब हम देख सकते हैं कि दोनों साइड से y r को कैंसिल किया जा सकता है, तो हमें सिंपली मिलेगा y टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू
वाई आर प्लस एक्स आर। फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए इसे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे और उसके बाद हमें मिलेगा वाई स्क्वायर टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है इक्वल टू वाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर एक्स वाई। फाइनली इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमें मिल जाएगा वाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड और इसको सिंप्लीफाई फर्दर करने के बाद हमें डायरेक्टली मिल जाएगा एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स आर स्क्वायर प्लस टू वाई आर स्क्वायर। तो हमें x और y में एक फाइनल एक्सप्रेशन मिला जो है x इक्वल टू टू वाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को हम फर्दर यूज करेंगे तो इस एक्सप्रेशन की हेल्प से अब हम पैरामीटर इवेल्युएट करेंगे। सो लेट p बी द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल के डायग्राम से देखें तो AB की वैल्यू है x प्लस वाई, BC की वैल्यू है y प्लस वाई और CA की वैल्यू है x प्लस वाई। इसे सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू 2x प्लस 4y। ऑलराइट, अब हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन से अगर हम इसमें यूज करें तो हमें मिलेगा पैरामीटर इक्वल्स टू 4y r स्क्वायर डिवाइड बाय y स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस 4y। तो अब हम इस पैरामीटर के एक्सप्रेशन को मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए यूज करेंगे। तो हम जानते हैं टू मिनिमाइज द पैरामीटर पी वी मस्ट हैव dp बाय dy इक्वल टू 0। इस पैरामीटर की मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा जिसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो dp बाय dy की वैल्यू होगी d बाय dy ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब हम इसमें डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी लगाएं तो दोनों टर्म्स को स्प्लिट किया जा सकता है। पहले टर्म में हम यूज करेंगे d बाय dx ऑफ u बाय v का फॉर्मूला जिसे हम क्वेश्चन रूल भी कहते हैं। तो उसकी हेल्प से हमें मिल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टाइम्स फोर आर स्क्वायर माइनस फोर वाई आर स्क्वायर टाइम्स टू वाई माइनस जीरो डिवाइड बाय वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। और सिमिलरली सेकेंड एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा सिंपली प्लस 4। तो इसे हम सिंप्लीफाई करें तो वो होगा माइनस फोर आर स्क्वायर टाइम्स आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4। अगर हम मिनिमाइजेशन वाली कंडीशन यूज करें तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो उसके बाद हमें मिलेगा माइनस फोर आर स्क्वायर टाइम्स आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर हम इस एक्सप्रेशन का एलसीएम लें तो हमें ये मिल जाएगा माइनस फोर आर स्क्वायर टाइम्स आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हम देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं तो उसके बाद हमें मिलेगा ये एक्सप्रेशन और अगर इसमें हम होल स्क्वायर को ओपन करें तो हमें ऐसा मिल जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं कि r टू द पावर 4 भी कैंसिल किया जा सकता है तो हमें मिल जाएगा y टू द पावर 4 माइनस 3 आर स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें से हम वाई स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस 3 आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 होता है तो इंडिविजुअल टर्म्स भी 0 होनी चाहिए तो वो होगा y इक्वल टू 0 या फिर y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3r। अब ट्राइंगल को देखें तो हमें पता है कि y जो है वो लाइन सेगमेंट BD है तो अगर y की वैल्यू 0 हुई तो लाइन सेगमेंट BD और लाइन सेगमेंट DC दोनों ही 0 हो जाएंगे और ऐसा होने से हमारा ट्राइंगल रहेगा ही नहीं। इसीलिए हम y इक्वल टू 0 को रिजेक्ट कर देंगे और हमारा ट्रू सॉल्यूशन हुआ y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3r। तो अब हमें देखना है कि इस वैल्यू ऑफ y के लिए हमारा पैरामीटर मैक्सिमा है या मिनिमा। तो हम जानते हैं कि फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ p सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ p मस्ट बी पॉजिटिव, राइट? तो अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ p इवेल्युएट करें तो वो हमें मिल जाएगा 8r स्क्वायर y टाइम्स 3r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय y स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का होल क्यूब। ये एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसे करने में थोड़ा समय लग सकता है। ऑलराइट, तो अगर हम y की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। हेंस एट y इक्वल्स टू रूट 3r पैरामीटर इज मिनिमम। तो चलिए अब इवेल्युएट करते हैं कि वो पैरामीटर होगा क्या। तो हम जानते हैं कि पैरामीटर का फॉर्मूला हमने बनाया था 4 वाई आर स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 4 वाई।
और इसमें अगर हम y की वैल्यू रूट थ्री आर डालें तो वो हमें इस तरह से कुछ मिल जाएगा, और इस एक्सप्रेशन के सिंप्लीफिकेशन के बाद वो आएगा 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3r³ अपॉन 2r² प्लस 4√3r, जो फाइनली बन गया 6√3r यूनिट्स। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।